नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से 18 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसे पदभार संभाला है? ऑप्शन ए अजय कोटियाल, ऑप्शन बी अजय कुमार शर्मा, ऑप्शन सी राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी चनीरा पोनप्पा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चनीरा पोनप्पा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा पोनप्पा ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा कर्नाटक के ब्राजपेट तालुक में बिटंगला के पास नगला गांव के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन डी दीपक चाहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 से पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। उन्हें फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था और वे इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कप्तानी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अय्यर ने इस टूर्नामेंट में अब तक 16 अर्धशतक जड़े हैं और वे 196 चौके और 188 छक्के भी लगा चुके हैं। श्रेयस ने आईपीएल में खेली 87 पारी में अब तक 2375 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनका सर्वाधिक स्कोर 96 रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस 22 एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जी अशोक कुमार, ऑप्शन बी मोहन कुमार त्यागी, ऑप्शन सी संतोष चसदेवा, ऑप्शन डी राहुल अग्निहोत्री। तो इसका सही जवाब है अशोक कुमार, यानी जी अशोक कुमार। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल अवकाश प्राप्त जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। नौसेना के पूर्व प्रमुख कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल नीत राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए तुर्किस, ऑप्शन बी तुर्किम, ऑप्शन सी तुर्किये, ऑप्शन डी तुर्किन। तो इसका सही जवाब है तुर्किये, यानी ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्किये के नाम से जाना जाएगा। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्किये में बदल दिया है। तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन सब तरीके से दर्शाता है और व्यक्त भी करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए
20.76 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 30.76 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 40.76 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 50.76 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब है 30.76 करोड़ रुपए। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए 30.76 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अकादमी पूरी तरह से कुश्ती के लिए होगी, जो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश की सबसे बड़ी अकादमी भी होगी। भारत को कुश्ती में ओलंपिक सबसे ज़्यादा पदक भारतीय रेलवे सुशील कुमार 2008, 2012, साक्षी मलिक 2016, रवि कुमार और बजरंग पुनिया 2020 ने दिलाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों क्वेश्चन से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत क्षेत्र की यात्रा शुरू कर फिजी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दूतावास खोलने की योजना की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 7, असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, ऑप्शन डी सुब्रत रॉय। तो इसका सही जवाब है रतन टाटा। असम सरकार ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक एवं टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। रतन टाटा को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान हेतु असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि टाटा संस और असम सरकार मिलकर एक बड़ा कैंसर देखभाल का नेटवर्क बना रहे हैं, इसमें रतन टाटा का काफी बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और परीक्षा के माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। और दोस्तों इस फरवरी की प्लेलिस्ट की आइकन में हम इसकी लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है, आप भी इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, तो इसका सही जवाब है दिल्ली। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के द्वारा इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस की लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम सत्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड सत्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस यह स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने की सुविधाजनक रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी अच्छे थे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और हम जेन्यून कंटेंट भी लाते हैं, फालतू की बकवास भी नहीं लाते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।